पल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, कैसे हैं आप सब? पिछले सत्र में हमने सीखा था कि रचनात्मकता से सोचने वाला व्यक्ति खुला दिमाग रखता है, पक्षपात से दूर रहता है, जिज्ञासु होता है, चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होता है, उपयोगी रूप से असंतुष्ट होता है। इस सत्र में हम रचनात्मकता से सोचने वाले व्यक्ति के अन्य लक्षणों के बारे में बात करेंगे। किसी भी नए विचार पर पहले चर्चा करनी पड़ती है, इसके बाद उसको सहमति मिलती है और फिर वो स्वीकार होता है। जीवन के हर पहलू के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अंग्रेजी सीखने के लिए आप लोगों से सुझाव और राय ले सकते हैं और खुद भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। इसके बाद आप सबसे उचित सुझाव चुन सकते हैं। रचनात्मकता से सोचने वाला व्यक्ति विचारों की एक सूची बनाता है और जरूरत पड़ने पर उन विचारों पर उचित रूप से अमल करता है। अब इस परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। मोहन एक छोटे से गांव में बड़ा हुआ और वहीं उसने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। उसने अपनी माध्यमिक और उच्च शिक्षा एक छोटे नगर में पूरी की। अब वो जयपुर की एक जानी मानी संस्था से MBA की पढ़ाई कर रहा है। वहां सभी लोग अंग्रेजी में बात करते हैं और मोहन को अंग्रेजी समझने में बहुत परेशानी होती है। उसे केवल हिंदी भाषा आती है। उसे क्या करना चाहिए? एक, उसे अपनी पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। दो, उसे यह सोचना चाहिए कि उसे अंग्रेजी सीखने का एक मौका मिला है। तीन, उसे दूसरों से अनुरोध करना चाहिए कि वे उसके साथ हिंदी में बात करें। पढ़ाई छोड़ने और दूसरों से हिंदी में बात करने का अनुरोध करने से उसकी समस्या हल नहीं होगी और ना ही उसे अंग्रेजी बोलने में मदद मिलेगी। इसलिए मोहन को इसे एक अवसर के रूप में लेना चाहिए जिससे वो अपनी अंग्रेजी को सुधार सके। हमने इसे क्या सीखा? रचनात्मकता से सोचने वाला व्यक्ति चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी मौके ढूंढ लेता है। एक और परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। आप अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। आपकी मां की तरक्की हुई है और उनका तबादला दूसरे शहर में हो गया है। वो केवल सप्ताह के अंत में घर आ सकती हैं। आपके पापा को भी काम के सिलसिले में अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है। आपके माता पिता ने यह सुझाव दिया है कि आपको खाना पकाना सीख लेना चाहिए ताकि आप अपना काम खुद कर सकें। आप क्या करेंगे? जो लोग मौके का पूरा फायदा उठाते हैं, नई योग्यताएं हासिल करते हैं और रचनात्मकता से उनका प्रयोग करते हैं, वे जीवन में सफल होते हैं। जहां चुनौतियां होती हैं वहां उन्हें नए अवसर नजर आते हैं। आशा करता हूं कि आप भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए इन बातों पर अमल करेंगे। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक राजा चाहता था कि उसके पुत्र सोच समझकर पैसे खर्च करना सीखें। उसने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और उन्हें एक चुनौती दी। उसने तीनों को एक जितने पैसे दिए और समान आकार के तीन कमरे दिखाए। प्रत्येक पुत्र को उन पैसों से एक कमरे में कुछ भरने को कहा गया। तीनों के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। पुत्रों ने अपना काम पूरा किया
और फैसले का दिन आ गया। पहले पुत्र ने पूरे कमरे में गाय का गोबर भर दिया, दूसरे पुत्र ने कमरे में पशुओं का चारा भर दिया। जब राजा ने तीसरे पुत्र का कमरा देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गया। उसने एक कोने में एक दिया जलाया था। राजा उलझन में पड़ गया और उसने अपने पुत्र से पूछा, तुमने ये क्या किया? यहां तो दिए के अलावा कुछ भी नहीं है। पुत्र ने उत्तर दिया, पिताजी मैंने इस कमरे को रोशनी से भर दिया है, इसमें बहुत कम पैसे खर्च हुए। सोच समझकर पैसे खर्च करने के लिए राजा ने उसकी बहुत प्रशंसा की। अगर आपको भी यह परीक्षा दी जाती तो आप क्या करते? रेडियो या संगीत के किसी यंत्र की मदद से कमरे को संगीत से भरा जा सकता है, अगरबत्ती जलाकर कमरे को खुशबू से भरा जा सकता है, और ऐसा करने में ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे, है ना? बस थोड़ी सी कल्पना शक्ति की आवश्यकता होती है। तो हमने इससे क्या सीखा? रचनात्मकता से सोचने वाले व्यक्ति का एक लक्षण यह है कि वो कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है। रचनात्मकता से सोचने वाला व्यक्ति कल्पना शक्ति का असरदार प्रयोग करता है। अब आपकी क्षमता और कल्पना शक्ति के लिए एक परीक्षा है। यहां पर कांच का एक डिब्बा है और 10 रुपए हैं। आपको यह सोचना है कि केवल 10 रुपए खर्च करके इस डिब्बे को किस चीज से भरा जा सकता है जो सबके काम आए। क्या हम कुछ संभावनाओं के बारे में चर्चा करें? हम 10 रुपए से एक नींबू, थोड़ी शक्कर और पानी मिलाकर नींबू पानी बना सकते हैं। सबको एक एक चम्मच नींबू पानी चखने के लिए दिया जा सकता है। आप एक छोटी सी मछली खरीद कर कांच के डब्बे में पानी भरकर मछली का घर भी बना सकते हैं। मछली को तैरते हुए देखने का आनंद सब लोग ले सकते हैं। या फिर आप इसमें पानी भरकर ऊपर फूल डाल सकते हैं। तैरते हुए फूल देखना भी सबको अच्छा लगता है। आप इन पैसों से एक पेंसिल और कागज के टुकड़े खरीद सकते हैं। हर एक टुकड़े पर एक सुंदर विचार लिखा जा सकता है जिसे सभी छात्र रोज पढ़ सकते हैं। ये सुंदर विचारों का एक संदूक बन सकता है। क्या हम रचनात्मकता से सोचने वाले व्यक्ति के लक्षण देखें? क्या आपको ये चित्र याद है? हमें वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं। अगर हम फूलदान देखना चाहेंगे तो हमें वो दिखेगा, और हम चेहरे देखना चाहेंगे तो हमें वही दिखेगा। अब इस घटना के बारे में पढ़िए। बंधक व्यक्ति ने ट्विटर का प्रयोग करके खुद को छुड़ाया। जब बंदी बनाने वाले व्यक्ति ने अपने नए फोन के लिए उससे मदद मांगी। 5 महीनों से बंधक एक पत्रकार ने ट्विटर के द्वारा यह संदेश भेजा कि वो जिंदा है। जब उसे बंदी बनाने वाले व्यक्तियों ने फोन पर इंटरनेट चलाने के लिए उससे मदद मांगी तब उसने ये काम किया। एक उग्रवादी ने अपने फोन पर इंटरनेट चलाने के लिए मदद मांगी और कोसुके सुनियोका ने ट्वीट किया, मैं जिंदा हूं पर जेल में हूं। पिछले सप्ताह उसे हिजबे इस्लामी समूह ने रिहा करवाया। हमने इससे क्या सीखा? आशाहीन परिस्थितियों में भी उस पत्रकार ने फरार होने का एक तरीका ढूंढ निकाला। उसने अपने दोस्तों और दुनिया वालों को एक संदेश भेजा। उसे यह विश्वास था कि वो इस समस्या से बाहर निकल पाएगा। इसी विश्वास के कारण वो उग्रवादियों के चंगुल से बाहर निकल पाया। उन सब लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने पहली बार किसी चीज का आविष्कार किया था। उदाहरण के लिए राइट ब्रदर्स,
जब सब लोगों ने ये कहा कि कोई भी मशीन कभी आसमान में नहीं उड़ सकती, तब भी उन्होंने ये सोचा कि ये संभव है। उन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाया। लोगों के नकारात्मक विचार सुनने के बाद भी उन्होंने अपनी सकारात्मक सोच को नहीं छोड़ा। रचनात्मक व्यक्ति की यही निशानी होती है। अगर हम सकारात्मकता से यह सोच लें कि हम अलग तरह से कोई काम कर सकते हैं, तो इससे हमारी रचनात्मकता बढ़ती है। रचनात्मकता से सोचने वाला व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है। ये थॉमस अल्वा एडिसन है। इस वैज्ञानिक ने सबसे ज्यादा आविष्कार किए हैं। अपने हजारवें प्रयास में ये बिजली का बल्ब बनाने में सफल हुए। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें अपने असफल प्रयासों के बारे में क्या कहना है, तब उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने बल्ब ना बनाने के 999 तरीकों के बारे में पता चला है। हमने इससे क्या सीखा? रचनात्मकता से सोचने वाले व्यक्ति का एक गुण ये होता है कि उसमें अपनी गलतियों से सीखने की दृढ़ता और चाह होती है। रचनात्मकता से सोचने वाला व्यक्ति दृढ़ता दर्शाता है, अपनी गलतियों से सीखता है। इन सभी गुणों को खुद में विकसित करने के लिए और रचनात्मकता से जीवन जीने के लिए आपको हमारी शुभकामनाएं। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? रचनात्मकता से सोचने वाला व्यक्ति खुला दिमाग रखता है, पक्षपात से दूर रहता है, जिज्ञासु होता है, चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होता है, उपयोगी रूप से असंतुष्ट होता है, विचारों की एक सूची बनाता है और जरूरत पड़ने पर उन विचारों पर उचित रूप से अमल करता है, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अवसर ढूंढ लेता है, कल्पना शक्ति का असरदार प्रयोग करता है, सकारात्मक सोच रखता है, दृढ़ता दर्शाता है, अपनी गलतियों से सीखता है। आइए आज की शुरुआत हम एक कहानी से करते हैं। आप स्कूल के बगीचे में पाइप से पानी डाल रहे हैं। आपसे छोटा एक विद्यार्थी आपके पास आकर मदद मांगता है। 3 फीट गहरे और सकरे गड्ढे में उसकी टेनिस गेंद गिर गई है, जिसे वो निकालना चाहता है। आप हाथ डालकर गेंद निकालने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं निकलती। गेंद निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आप उस गड्ढे को पानी से भर सकते हैं। ऐसा करने से गेंद तैरकर ऊपर आ जाएगी। गेंद को गड्ढे से निकालने के लिए आपने एक व्यवस्थित तरीके, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो एक तकनीक का इस्तेमाल किया। वास्तव में देखा जाए तो आपने एक रचनात्मक तकनीक का प्रयोग किया। रचनात्मक सोच को सुधारने के लिए क्या हम कुछ और तकनीकों के बारे में सीखें? एक तकनीक जिससे रचनात्मक सोच को बढ़ावा मिलता है, वो है रूपकों का प्रयोग। कविता पढ़ते वक्त हमने रूपक के बारे में जरूर जाना होगा, है ना? अगर हमें किसी के गुणों के बारे में बात करनी है तो हम अक्सर रूपक का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं कि वो तो शेर दिल है, किसी के साहस के बारे में बताने के लिए, या फिर वो तो कोयल जैसी है, किसी की मधुर आवाज के बारे में बताने के लिए, या फिर उसका दिल तो सोने का है, किसी उदार दिल वाले व्यक्ति के बारे में बताने के लिए। ये रूपक सकारात्मक गुणों के बारे में बताते हैं। नकारात्मक गुण बताने के लिए हम इस तरह की बातें भी कहते हैं।
वो तो गुड़कना लोटा है, किसी व्यक्ति के बारे में बताने के लिए जिस पर भरोसा न किया जा सके, वो तो लोमड़ी है, किसी चालाक व्यक्ति के बारे में बताने के लिए। अरे वो तो गिरगिट है, किसी व्यक्ति के बारे में बताने के लिए जो बदलता रहता है। रूपकों का प्रयोग करके हम अपनी रचनात्मक सोच को सुधार सकते हैं। क्या अब हमें एक क्रियाकलाप करें? स्क्रीन पर रिक्त स्थान के साथ कुछ वाक्य दिखाए जाएंगे और प्रत्येक वाक्य को पूरा करने के लिए संकेत भी दिए जाएंगे। इन वाक्यों को पूरा करने के लिए आपको रूपक का प्रयोग करना है। सुशील एक क्या है? उस कैदी पर पुलिस वाले किस तरह की आंखें जमाए हुए हैं? समय क्या होता है? रवि का दिल तो किसके जैसा है? विलेन कैसे होते हैं? क्या हम कुछ सही उत्तर देख लें? सुशील एक फरिश्ता है। उस कैदी पर पुलिस वाले गिद्ध की तरह आंखें जमाए हुए हैं। समय कीमती होता है। रवि का दिल तो चूहे जैसा है। विलेन पत्थर दिल होते हैं। कुछ गुणों को बताने के लिए आमतौर पर इन रूपकों का प्रयोग किया जाता है, पर हम अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके कुछ उचित रूपक बना सकते हैं। बस ये ध्यान रहे कि आप जो कहना चाहते हैं वो बात ठीक से समझ में आ जानी चाहिए। हमने रूपकों द्वारा अपने वर्तमान और भविष्य के बारे में बताया। ऐसा हो सकता है कि कुछ समय बाद हम अलग तरह के रूपकों के बारे में बात करें। हम अपने विचार व्यक्त करने के लिए चित्रों का प्रयोग भी कर सकते हैं और इन चित्रों की मदद से ये देख सकते हैं कि हमने कितनी प्रगति की है और हम किस ओर बढ़ रहे हैं। इससे ये भी सुनिश्चित होगा कि हम सच्चाई से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डटे रहेंगे। प्रत्येक व्यक्ति एक से ज्यादा रूपकों का प्रयोग भी कर सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति के कई पहलू होते हैं। अलग अलग समय पर हम अलग अलग पहलुओं के लिए नए रूपकों का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मैंने अभी अभी वॉलीबॉल सीखना शुरू किया है। मैं इस रूपक के बारे में सोच सकता हूं कि बॉल से एक बीज फूट रहा है। जैसे जैसे मेरी योग्यताएं सुधरेंगी, मैं ये सोच सकता हूं कि वो बीज अब एक छोटा पौधा बन गया है। मेरी योग्यता के अनुसार, जैसे कि राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर खेलना, मैं इसे एक बड़े पौधे या पेड़ के रूप में बता सकता हूं। वॉलीबॉल खेलने के साथ साथ मैं संगीत भी सीख रहा हूं। संगीत में दक्षता दर्शाने के लिए मैं ऐसे चिन्ह का प्रयोग कर सकता हूं। जैसे जैसे मेरे संगीत में सुधार आएगा, मैं इन चिन्हों की संख्या बढ़ा सकता हूं, जिससे ये पता चले कि मैंने कितना विकास किया है। मेरी योग्यताओं में जो सुधार आया, उसके आधार पर मैं दोनों योग्यताओं से संबंधित चिन्हों को बदल भी सकता हूं। मुझे यकीन है कि आपको अपने दोस्तों के लिए सकारात्मक रूपक बताकर अच्छा लगा होगा। जब आपके दोस्तों ने आपके सकारात्मक गुणों के बारे में रूपक बताए, तो आपको भी गर्व महसूस हुआ होगा। जब रूपकों का प्रयोग होता है, तब कविता जन्म लेती है। क्या आपको पता है कि जब आप नए और अलग अलग रूपक ढूंढते हैं, तब आपकी भाषा में सुधार आता है और आप एक कवि की तरह सोचने लग जाते हैं। हम मूक अभिनय के खेल के द्वारा भी दूसरों को उनके रूपकों के बारे में बता सकते हैं, पर हमें उनके नकारात्मक गुणों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अब एक क्रियाकलाप का समय है। आपको एक व्यक्ति के लिए जन्मदिन का कार्ड बनाना है जिसे आप पसंद करते हैं।
आपको एक रूपक चिन्ह बनाना है जो उस व्यक्ति के बारे में कुछ बताता है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति हमेशा मजाक करता है उसके लिए आप बहुत सारे मुस्कुराते हुए चेहरे बना सकते हैं। आपने ये कार्ड जिस व्यक्ति के लिए बनाया है उसके जन्मदिन पर उसे यह कार्ड जरूर दें, इससे उस व्यक्ति को बहुत खुशी मिलेगी। अब तक आपने रूपक का प्रयोग करके किसी के सकारात्मक गुणों के बारे में बताया, आपने चित्र, कार्ड इत्यादि बनाकर किसी व्यक्ति की सराहना की जिससे आपको भी खुशी मिली। ऐसा करने से बहुत से उद्देश्य पूरे हुए। इसलिए रचनात्मक सोच से हम एक तकनीक का प्रयोग अलग अलग परिस्थितियों में कर सकते हैं, इससे कई उद्देश्य भी पूरे हो जाते हैं। अगली तकनीक है कहानी बनाना। हमने बचपन से ही कहानियां सुनी हैं। कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि लेखक अपनी कल्पना शक्ति से कहानियां कैसे लिख लेते हैं। अब आप सबको एक कहानी बनानी है। आप सोच रहे हैं कि ये कैसे होगा? बहुत आसान है। कल्पना कीजिए कि आपकी माँ ने आपको आलू, साबुन, सिरदर्द के लिए बाम और पेंसिल खरीदने के लिए बाजार भेजा है। इन सब चीजों के नाम याद रखने के लिए इनके बारे में एक कहानी बनाई जा सकती है। ऐसा करने से आपको ये सारे सामान आसानी से याद हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, एक कहानी ऐसी हो सकती है, पेंसिल से चित्र बनाते समय मैंने तले हुए आलू खाए और मेरे सिर में दर्द हो गया। जब मैंने साबुन से अपना मुंह धोकर बाम लगाया तो सिर दर्द गायब हो गया। मैं दोहराता हूं, पेंसिल से चित्र बनाते समय मैंने तले हुए आलू खाए और मेरे सिर में दर्द हो गया। जब मैंने साबुन से अपना मुंह धोकर बाम लगाया तो सिर दर्द गायब हो गया। क्या आपने ध्यान दिया कि हमने अलग अलग चीजों को साथ जोड़ते हुए एक छोटी सी कहानी बनाई जिससे हमें ये सारे नाम याद हो गए? इस तकनीक को नेमोनिक कहा जाता है। इस सूची को याद करने के लिए हम सब अपनी सुविधा के अनुसार एक नेमोनिक तैयार कर सकते हैं। हमने देखा कि रचनात्मकता को सशक्त करने के लिए नेमोनिक का प्रयोग किया जा सकता है। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। आपको कुछ चीजों की एक सूची दी जाएगी। आपको इन शब्दों को जोड़ते हुए एक कहानी बनानी है। ये शब्द हैं चमड़े के जूते, संतरा, कहानी की किताब और गुड़िया। आपको इन शब्दों का प्रयोग करके एक छोटी सी कहानी बनानी है। मैं चमड़े के जूते पहनकर संतरे खरीदने गया, पर उसकी जगह मैं कहानी की किताब पढ़ती हुई एक गुड़िया खरीद लाया। इस तकनीक के प्रयोग से आप तारीख भी याद रख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप एक कहानी ही बनाएं। आप दो पंक्तियां भी लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए, वो था सन 1492 जब कोलंबस निकल पड़ा महासागर में। इससे हमें याद रहेगा कि अमेरिका की खोज 1492 में हुई थी। इसी तरह हम लोगों के चेहरे याद रखने के लिए उनको किसी जाने माने व्यक्ति के साथ जोड़ सकते हैं, पर यह बेहतर होगा कि हम सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान दें और उन्हें किसी अनुचित गुण या लक्षण से ना जोड़ें। उदाहरण के लिए, मैं अपनी एक दोस्त की दोस्त से मिला। उसका चेहरा और उसके बाल देखकर मुझे इंदिरा गांधी याद आई। उसे याद रखने के लिए मैंने मन में ये सोचा, ऐसा लग रहा है कि मैं पुस्तकालय में इंदिरा गांधी जी से मिला था। आज तक भी ये बात सोचकर मैं उसे आसानी से याद रख पाता हूं।
रचनात्मक सोच से हमें ऐसी तकनीकें बनाने में मदद मिलती है जिनसे हम नाम, नंबर, चेहरे इत्यादि याद रख सकते हैं। क्या हम एक और तकनीक सीखें? हम अपने हाथों के प्रयोग से परछाई वाली आकृतियां बना सकते हैं। उदाहरण के लिए अपने दोनों हाथों को इस तरह पास लाएं, फिर उंगलियों को नीचे करके इस तरह हिलाएं, अब अंगूठे को आगे और पीछे करके कान बनाएं, और फिर इन दोनों उंगलियों को इस तरह मोड़ लें। क्या ये ऐसा लग रहा है जैसे कुत्ता अपनी जीभ हिला रहा हो? अपनी कल्पना शक्ति के प्रयोग से हम ऐसी आकृतियां बना सकते हैं और इनका आनंद उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूं मूर्ति और दूसरा व्यक्ति कहे मूर्तिकार, तीसरा व्यक्ति कहे तराशना, चौथा व्यक्ति कहे लोहा और पांचवा कहे पाइप, छठा कहे पानी, सातवां कहे मछली, फिर आठवां व्यक्ति कोई शब्द ना बता पाए तो खेल खत्म हो जाएगा। नया खेल तब शुरू होगा जब अगला व्यक्ति एक नया शब्द कहेगा। आशा है कि आपको ये समझ आ गया होगा। क्या हम शुरू करें? धन्यवाद, ये मजेदार था, है ना? इसी तरह हम एक और खेल खेल सकते हैं जिसमें कुछ शब्दों को दूसरे शब्दों से बदलना है। उदाहरण के लिए मैं एक वाक्य कहूंगा, एक सिपाही ने एक पदक जीता। दूसरे व्यक्ति को अपनी पसंद का कोई और वाक्य कहना है जो इससे मिलता जुलता है, जैसे कि एक हवाई जहाज बादल में घुसा। अगला व्यक्ति कुछ ऐसा कह सकता है कि गाय ने घास खाई। फिर अगला व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि एक हाथी ने चित्र बनाया, इत्यादि। क्या आप समझ गए? बहुत अच्छी तरह खेला आप सबने। हमने इससे क्या सीखा? रचनात्मक सोच से हमारा उबाऊपन दूर हो जाता है। अब तक हमने जो रचनात्मक तकनीकें सीखी हैं वे हैं रूपक बनाना, नेमोनिक्स, परछाई वाला खेल, शब्द श्रृंखला। अगले सत्र में हम कुछ और तकनीकें सीखेंगे। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? कुछ रचनात्मक तकनीकें हैं रूपक, कहानी बनाना इत्यादि। रचनात्मक सोच से हमें कई उद्देश्य पूरे करने में मदद मिलती है, नेमोनिक बनाने में मदद मिलती है, उबाऊपन दूर होता है। नमस्ते छात्रों, आप सबसे मिलकर खुशी हुई। रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह हमने रूपक, कहानियां और नए खेल बनाना सीखा, उसी तरह हम और भी तरीकों के बारे में जानेंगे जिनसे रचनात्मकता को बढ़ाया जा सकता है। आइए सबसे पहले विज्ञापनों के बारे में जानते हैं। स्क्रीन पर चार विज्ञापन दिखाए जाएंगे, इन्हें ध्यान से देखिए। अभी तक तैयार नहीं हुई? नीचे सब लोग इंतजार कर रहे हैं।
पापा, सिर्फ समोसे खिला के कैसे डिसाइड कर लो कि जिंदगी इसी के साथ बितानी है? जल्दी आना। अरे नहीं, बस बस, आपने पहले ही बहुत खिला दिया। हमें तो आपकी पहल बहुत पसंद आई, तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? जी जरूर, लेकिन हमें भी तो आपके घर आना होगा। मोस्ट वेलकम जी, पर क्यों? हमारी बेटी को भी देखना है कि आपका लड़का घर संभाल सकता है या नहीं, खाना बना सकता है या नहीं, तभी तो हम देंगे अपनी लड़की। इसे तो पानी उबालना भी नहीं आता, बस कभी कभी नूडल्स वगैरह बना लेता है माइक्रोवेव में। माफ कीजिएगा, मेरी बेटी सिर्फ नूडल्स पर जिंदा तो नहीं रह सकती ना। सर, 10 दिन बाद आप हमारे घर पे क्यों नहीं आते? क्यों सर, तब तक मैं कुछ बनाना सीख लूंगा, फिर आ जाइएगा आप लड़का देखने। है ना? लास्ट ईयर तो सेकंड आया था, वो भी सिर्फ 1 मार्क से आया था कि नहीं? तो ये ले मेरी क्लासमेट नोटबुक, इस पर लिखोगे तो टीचर नीटनेस के 2 एक्स्ट्रा मार्क्स देगी। मतलब इस टाइम तो क्या फर्स्ट। वैसे तो तू मुझे रोज चिढ़ाती है, आज क्या हुआ? सुन, तू मेरे हाउस का है, चिढ़ा सकती हूँ, पर अगर तू सेकंड आए तो दूसरे हाउस वाले तुझे चिढ़ाएंगे, वो मैं होने नहीं दूंगी, समझा बुद्धू? Whiter, brighter, smoother notebooks from Classmate, India's number 1 notebook brand. Classmate from ITC. एक अकलाते हुए कॉमेडियन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है सस्पेंस। हर ऑडियंस आपकी तरह पेशेंट नहीं होती। मैं अटकता हूं, वो खिसक लेते हैं। सॉरी सर। घर वाले कहते थे जल्दी एक जोक सुना, अब कहते हैं जोक छोड़ जल्दी सुना। तो मैं भी ढीठ हूं, जोक सुनाए बगैर जाऊंगा नहीं। मैंने दोस्तों को समझाया, टाइम लगता है यार बफरिंग में। लैंडलॉर्ड को समझाया, 2 मांगे थे, 8 दे गया। 2 2 2 2 8, वेरी फनी। क्या आजकल जोक्स भी किश्तों में आते हैं? पुलिस वाला कहता है कि कानून के हाथ से लंबा तो मेरा जोक है। दुनिया को समझाया। अरे जोक तो खत्म करो, सस्पेंस में छोड़ दिया। सब्र का फल मीठा होता है। सुबह सुबह पार्क गया, वहां खुद ही समझ गया। लाफ्टर क्लब, लीला फैट एनीथिंग। थैंक गॉड फॉर कॉफी, इसने मुझे लगाए रखा और आपको जगाए रखा। माय नेम इज ऋषि। लेट्स गेट स्टार्टेड। Nestle, good food, good life.
आपको इनमें से कौन सा विज्ञापन सबसे अच्छा लगा? क्यों? लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए विज्ञापन बनाए जाते हैं। एक विज्ञापन तभी अच्छा हो सकता है जब उसके दृश्य और उसका नारा अच्छा हो। ये दृश्य और नारे रचनात्मक सोच का नतीजा होते हैं। कुछ विज्ञापन लोगों का ध्यान इतने असरदार तरीके से खींचते हैं कि वे लोगों को हमेशा याद रहते हैं। उदाहरण के लिए, आपको ये विज्ञापन याद है? बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, या आई एम अ कॉम्प्लान बॉय, या आई एम अ कॉम्प्लान गर्ल। क्या हम चार विज्ञापन देखें? मनोज, मनोज इधर क्या कर रहा है? पिक्चर देखने है क्या? बेटा बन गए ना लल्लू, ये ले मेंटोस कोला, खा दिमाग की बत्ती जला। मेंटोस अब नए कोला फ्लेवर में। भूख मिट्टी खाने की, पानी में जाने की, भूख दिमाग की कुश्ती की, YouTube पे छा जाने की, सब करने की भूख है, बढ़ने की भूख है। बच्चों में ऐसी बढ़ने की भूख तभी दिखे जब उन्हें पूरा पोषण मिले, लेकिन एक रिसर्च कहता है कि 10 में से 9 बच्चों तक के खाने में जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। इसीलिए खाने के साथ मेरा हॉलिक्स, इसका पोषण बच्चों को बनाए टॉलर, स्ट्रॉन्गर, शार्पर। गिरना तो बनता है बॉस, गिरेगा तो उठेगा। अब गिरेगा तभी तो उठेगा, वरना सीखेगा कैसे, है कि नहीं? ये टूटना फूटना भागना भगाना सब चलता रहेगा। That's life brother, that's life. By the way, दो चार गाली भी खानी पड़ेगी तो खा लो, क्योंकि अब जो गेम है ना वो बड़ा है, और अब डर गया तो बस सब गया। तो डर को पीछे छोड़ और आगे बढ़। डर के आगे जीत है। कोई जगह नहीं, कहाँ पार्क करें? वो रही। ओ ओ ओ ओ ओ डियर, दुनिया लगाती उल्टी गियर, इनको कुछ तो दिखाना होगा, कुछ तो इनको सिखाना होगा, हो जाए जिससे सब क्लियर। गाड़ी नंबर 5277। गाड़ी नंबर 5577। सर आपकी गाड़ी आ रही है। थैंक यू। हे नाइस कार। वो है महा और हम हियर। ओहो स्प्राइट क्लियर है। नारे बनाते वक्त ये ध्यान में रखा जाता है कि ये किस उम्र के लोगों के लिए हैं, वे किस जगह से हैं और उनके शौक क्या हैं। उचित दृश्यों और सही शब्दों के चुनाव से बहुत फर्क पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर एक पेन के विज्ञापन में यह बताया जाता है कि इसे केवल लिखने के लिए नहीं बल्कि चित्र बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो यह बच्चों के लिए बहुत असरदार होगा। बड़े लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये कहा जा सकता है कि ये पेन बिना रुके लगातार लिखता रहता है। बुजुर्ग लोगों के लिए कुछ ऐसा लिखा जा सकता है कि कुछ ऐसा लिखे कि आने वाली पीढ़ी आपके अनुभव से सीख सके। किसी भी प्रकार के लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए उनके नजरिए से सोचना जरूरी है। विज्ञापन केवल सामान बेचने के लिए नहीं बल्कि समाज में जागरूकता फैलाने के लिए भी बनाए जाते हैं। क्या हम ऐसे विज्ञापनों के उदाहरण देखें? पेड़ बचाएं, धरा बचाएं, दुर्घटना से देर भली, ड्रग्स को ना कहें, हम दो हमारे दो। पहला नारा वृक्षों और जंगलों के संरक्षण के बारे में है, दूसरा नारा
तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने से होने वाले खतरे के बारे में है। तीसरा नारा ड्रग्स का सेवन ना करने की सलाह देता है। और चौथा नारा जनसंख्या को कम करने के लिए छोटे परिवार को रखने की सलाह देता है। इंटिम तारे के सत्र 10 महत्वपूर्ण विषयों के बारे में बताते हैं, जो है आत्म जागरूकता, समानुभूति, बातचीत, व्यक्तिगत योग्यताएं, निर्णय लेना, समस्याओं को हल करना, रचनात्मक विचार, आलोचनात्मक विचार, भावनाओं को समझना और तनाव से मुक्ति पाना। एक नारे की मदद से आप टिमटिम तारे के बारे में जागरूकता किस तरह फैला सकते हैं? हम इस तरह के नारे बना सकते हैं। टिमटिम तारे से जीवन कौशल सीख जाएं, अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। चीजों को दूसरों के नजरिए से देखने से हम विज्ञापनों के लिए नारे बना सकते हैं और इससे हमें विचारों के आदान प्रदान में मदद भी मिलती है। इस तरीके को हम अपनी बातचीत में भी अपना सकते हैं, जिससे हमारी बात असरदार हो और लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। संक्षिप्त में कहें तो रचनात्मक सोच से हमें अलग अलग नजरिए समझ आते हैं। हम दूसरों के विचार और उनकी भावनाओं को समझ पाते हैं। हम अच्छी तरह और असरदार तरीके से वार्तालाप कर पाते हैं। अगले सत्र में हम कुछ और तरीकों के बारे में सीखेंगे। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? रचनात्मक सोच से हम अलग अलग नजरिए समझ पाते हैं, दूसरों के विचार और भावनाओं को प्रभावित कर पाते हैं और असरदार तरीके से वार्तालाप कर पाते हैं। धन्यवाद। अब तक हमने रचनात्मकता बढ़ाने के कुछ तरीके देखे, जैसे कि रूपक, निमोनिक के लिए कहानी बनाना, परछाई से आकृतियां बनाना, शब्द श्रृंखला, शब्दों को नए शब्दों से बदलना, विज्ञापन। क्या हम एक और तकनीक देखें? अगली तकनीक है अभिनय। क्या आपने टिमटिम तारे के सत्रों के दौरान पूरे उत्साह के साथ अभिनय किया है? जब आप अभिनय करते हैं तब आपको कैसा लगता है? इसके क्या फायदे हैं? जब आप किसी और व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं तब आप उस व्यक्ति के विचारों, उसकी भावनाओं और परिस्थिति को ध्यान में रखते हैं। आप खुद उस व्यक्ति की जगह रखकर उसके नजरिए से परिस्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने से आप परिस्थिति को अच्छी तरह समझ पाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं जिसकी नई शर्ट पर स्याही के धब्बे लग गए हैं, तो आप गुस्से की भावना दर्शाएंगे क्योंकि वो व्यक्ति अपनी शर्ट खराब होने से परेशान है। आप ये दिखाएंगे कि किस तरह से उस व्यक्ति ने स्याही पर चौक रगड़कर शर्ट को ठीक करने की कोशिश की। जब इससे काम नहीं बना तो उसने धब्बे को छिपाने के लिए अपनी किताब से ढक दिया। जब टीचर ने इसके बारे में पूछा तो उसने धब्बों के बारे में बताया और टीचर से अनुमति ली ताकि वो शर्ट को धो सके या बदल सके। इस भूमिका को अच्छी तरह निभाने के लिए आपको उसी समय रचनात्मकता से सोचना होगा। जब तक आप ये अभिनय अच्छी तरह करेंगे तो आप स्थिति को भली भांति समझ पाएंगे और दूसरों को अभिनय द्वारा अच्छी तरह समझा पाएंगे। इससे शायद आपको ये सीख मिलेगी कि ऐसी परिस्थिति की नौबत नहीं आनी चाहिए। इससे रचनात्मकता, निर्णय लेने का कौशल
और समस्याओं को हल करने का कौशल भी विकसित होगा। ये अच्छी तरह समझने के लिए क्या हम दो अभिनय करें, ये रही पहली परिस्थिति। नंदिनी की दोस्त ने उसे अपने घर एक दावत के लिए बुलाया है, पर नंदिनी के घर विदेश से कुछ मेहमान आए हैं। आमतौर पर वे लोग 3 सालों में एक बार भारत आते हैं। नंदिनी की दोस्त ने फिर भी बहुत आग्रह किया कि उसे दावत में आना ही होगा, और अगर वो नहीं आई तो उसे बहुत बुरा लगेगा। इस परिस्थिति में नंदिनी को क्या करना चाहिए? नंदिनी तय नहीं कर पा रही है कि उसे अपने मेहमानों के साथ रहना चाहिए या फिर अपनी दोस्त की दावत में जाना चाहिए। नंदिनी की दोस्त को नंदिनी के नजरिए से सोचकर उसकी परेशानी समझनी चाहिए। इसी तरह नंदिनी को भी अपनी दोस्त की नाराजगी के बारे में सोचना चाहिए। हमें दोनों के नजरिए से परिस्थिति को देखकर उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। इसके बाद ही हमें अपनी राय और अपने विचार व्यक्त करने चाहिए, ताकि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। जो व्यक्ति नंदिनी और उसकी दोस्त की भूमिका निभा रहे हैं, उनके लिए ये समझना जरूरी है कि नंदिनी किसी तरह की उलझन में है और उसके दोस्त के मन में क्या भावनाएं हैं। ये समझ होने पर ही वे अच्छी तरह रचनात्मकता से अभिनय कर पाएंगे। क्या अब हम अगला अभिनय देखें? कैलाश हमेशा अपने नाखून चबाता रहता है। जब कोई उससे पानी मांगता है तो वो पानी लाने से पहले अपने हाथ धोना भूल जाता है। लोगों को उसकी ये आदत पसंद नहीं है। मिहिर ने यह निर्णय लिया है कि वो इस बुरी आदत के बारे में उससे बात करेगा। कैलाश उसकी बात समझ जाता है और अपनी बुरी आदत को छोड़ने के बारे में निश्चय कर लेता है। जिस व्यक्ति ने पानी मांगा है, अगर कैलाश उसकी भावनाएं समझ पाता तो वो कभी भी हाथ धोए बिना पानी लेकर ना आता। मिहिर दूसरों की भावनाओं को समझ सका, इसलिए वो कैलाश की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना उसे ये समझा पाया और कैलाश भी मान गया। हमने इससे क्या सीखा? जब हम दूसरों के नजरिए से बात को देखते हैं तो हम परिस्थिति को और उस व्यक्ति के मन की दशा को समझ पाते हैं। अभिनय करने की रचनात्मक तकनीक से हम कोई भी भूमिका असरदार तरीके से निभा पाते हैं। रचनात्मक सोच से हम दूसरों के नजरिए, परिस्थिति, उनकी मनोदशा और इरादों को समझ पाते हैं। इससे हमें उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना अच्छी तरह वार्तालाप करने में मदद मिलती है। क्या हम एक और तकनीक के बारे में सीखें? चीजों को इस्तेमाल करने के नए नए तरीके ढूंढना, यही है अगली तकनीक। लिखते समय आपकी मेज बहुत हिलती है, आप मेज को थोड़ा सा सरका देते हैं ताकि वो ना हिले। फिर आपको पता चलता है कि फर्श समतल नहीं है, इसीलिए आपकी मेज हिल रही है। आप कागज का एक टुकड़ा लेंगे, उसे कई बार मोड़ेंगे और मेज के एक पांव के नीचे रख देंगे ताकि वो समतल हो जाए, है ना? जरा सोचिए, क्या कागज इसीलिए बनाया गया था कि उसे हिलती हुई मेज के नीचे रखा जा सके? बिल्कुल भी नहीं। कागज को लिखने के लिए बनाया गया है, पर आपकी रचनात्मक सोच की वजह से आपने कागज को इस्तेमाल करने के और भी तरीके ढूंढ निकाले। बोतल को तरल पदार्थ रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर हम बोतल का इस्तेमाल फूलदान की तरह या फिर पटाखे के रॉकेट छुड़ाने के लिए करते हैं। किसी चीज को इस्तेमाल करने के नए तरीके ढूंढना, यह केवल रोजमर्रा की चीजों पर लागू नहीं होता। समय, पैसा इत्यादि का प्रयोग करने में भी हम इस बात पर अमल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रचनात्मकता से सोचें तो
तो आप अपनी जेब खर्च के पैसों का इस्तेमाल करने के भी नए तरीके ढूंढ सकते हैं। वैसे तो आपके माता पिता आपके लिए कपड़े और तोहफे खरीदते हैं, पर आप अपनी जेब खर्च के पैसे बचाकर उनके जन्मदिन या शादी की वर्षगांठ पर उनके लिए उपहार या कपड़े खरीद सकते हैं। इसी तरह अपने खाली समय को यूं ही बिताने से अच्छा है कि हम उस समय में कोई और सकारात्मक काम करें, जैसे कि हम अनपढ़ लोगों को पढ़ना लिखना सिखा सकते हैं, हम किसी अपंग व्यक्ति की पोस्ट ऑफिस के फॉर्म आदि भरने में मदद कर सकते हैं, या फिर किसी को अखबार पढ़कर सुना सकते हैं। अगर आप रचनात्मकता से सोचें तो आप अपने समय और पैसों का उपयोग करने के बेहतर तरीके ढूंढ सकते हैं। क्या अब हम एक और तकनीक के बारे में जानें? इसे सुधार वाली तकनीक कहते हैं। आप लिफाफे पर डाक टिकट कैसे चिपकाते हैं? आप गोंद या फिर पानी का इस्तेमाल करते हैं, और ये दोनों चीजें ना हो तो आप उस पर थूक लगाते हैं, है ना? क्या आपको कभी लगा है कि डाक टिकट स्टिकर जैसे होते तो अच्छा होता? अगर हाँ तो आपको खुद पर गर्व होना चाहिए कि आप में चीजों को सुधारने की रचनात्मकता है। अपने दिमाग को सतर्क रखिए। जब भी आपको कोई अच्छा विचार सूझे तो आप उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके अंदर का एडिसन जाग जाए। हम इस तकनीक का प्रयोग करके रोजमर्रा की चीजों में सुधार ला सकते हैं। हम इस तकनीक का प्रयोग अपनी योग्यताओं, सपनों और लक्ष्यों को बेहतर बनाने में भी कर सकते हैं। जब कोई गाना बजता है तो आप उसके साथ गाना गुनगुनाने लगते हैं, तो इससे आप अपनी गायन की योग्यता को पहचान पाते हैं। कटते हुए पेड़ों को देखकर आपको तकलीफ होती है, तो इससे आप ये पहचान पाते हैं कि आप भी वातावरण के संरक्षक बनना चाहते हैं। आपको अपनी योग्यताओं और गुणों को पहचानना चाहिए, रचनात्मकता से सोचकर उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। इन सब रचनात्मक विचारों पर तुरंत अमल शुरू करना चाहिए। उदाहरण के लिए, आपके मन में जो भी विचार चल रहे हैं, अगर आप उन्हें लिख दें तो आप अपनी इस योग्यता को सुधार सकते हैं। इससे आपको भविष्य में अच्छा लेखक बनने में मदद मिलेगी। ऐसे तरीकों के बारे में सोचिए जिनसे आप अपने परिवार की और समाज की मदद कर सकते हैं, फिर उन तरीकों पर अमल कीजिए। हमने इससे क्या सीखा? रचनात्मक सोच से हम चीजों को इस्तेमाल करने के नए तरीके ढूंढ सकते हैं, चीजों को बेहतर बना सकते हैं। इस सत्र में हमने ये बातें सीखी। अभिनय की तकनीक, चीजों को इस्तेमाल करने के नए तरीके, सुधार लाने वाली तकनीक। अगले सत्र में हम कुछ और तरीकों के बारे में सीखेंगे। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? रचनात्मकता को बढ़ाने के कुछ तरीके हैं अभिनय, विज्ञापन, सुधार लाने वाली तकनीक और चीजों को इस्तेमाल करने के नए तरीके। रचनात्मक सोच से हम दूसरों के नजरिए, परिस्थिति, उनकी मनोदशा और इरादों को समझ पाते हैं। इससे हमें उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना अच्छी तरह वार्तालाप करने में मदद मिलती है।